बढ़ती हुई आधुनिकता के इस दौर में मनुष्य हर एक काम के लिए आज टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में तेजी से फैल रहे अपराध और वारदातों को रोकने के लिए भी हर क्षेत्र में नए नए आधुनिक उपकरणों का आविष्कार लगातार जारी है। जहां तक सवाल उठता है महिलाओं की सुरक्षा का, तो ज्यादातर देशों के लिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिन्हें वो लोग बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए महिलाओं की सेफ्टी का जिम्मा अब टेक्नोलॉजी को ही उठाना पड़ रहा है। हमारे देश में आज हर औरत घर के बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और फेमिनिज्म जैसे शब्द केवल सुनने में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे अत्याचार और अपराधों ने इन शब्दों को पूरी तरह खोखला कर दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो आए दिन बिना किसी डर के कभी जवान तो कभी एक साल से भी कम उम्र की मासूम बच्चियों का करते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो इस गंभीर समस्या से समझौता कर चुके हैं और हर घटना पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया न देते हुए इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन देश में कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इन बातों से फर्क पड़ता है और कल को उनके या किसी और परिवार की किसी महिला के साथ ऐसा न हो, इसके लिए वो हर तरह के प्रयास करने में लगे हुए हैं। की वारदातों को रोकने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने तरह तरह के उपकरण बनाए हैं जिन्हें एंटी रेप डिवाइसेस कहा जाता है। इनमें कई डिवाइसेस बहुत असरदार हैं जो एक इशारे पर पुलिस और लोगों की भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, और कई डिवाइसेस बहुत खतरनाक भी हैं जो रेप की कोशिश करने वाले व्यक्ति को हमेशा के लिए नपुंसक भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं दुनिया भर के अलग अलग देशों द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे ही एंटी रेप डिवाइसेस के बारे में। एंटी रेप इनोवेयर। 2013 में चेन्नई की एक यूनिवर्सिटी के तीन स्टूडेंट्स मनीषा, रिम्पी और नीलाद्री ने शी नामक एक एंटी रेप इनोवेयर बनाया। शी का फुल फॉर्म सोसाइटी हार्नेसिंग इक्विपमेंट है। वैसे तो ये देखने में बिल्कुल एक नॉर्मल गाउन की तरह है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये जरूरत पड़ने पर 3800 किलोवाट का एक इलेक्ट्रिक शॉक देने की क्षमता भी रखता है। आमतौर पर देखा गया है कि छेड़छाड़ के दौरान अपराधी महिला के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को छूने की कोशिश करता है। शी में लगा सेंसर इस तरह की किसी भी हरकत को तुरंत डिटेक्ट करके रिएक्ट करता है और रेप या जबरदस्ती किए जाने पर उस व्यक्ति को तेज बिजली के झटके से झिझोड़ देता है। इस डिवाइस की एक और खास बात है कि इसमें GPS भी लगा है, जो कि ऐसा कुछ भी होने पर उस महिला की लोकेशन की जानकारी परिवार के सदस्यों और पुलिस को पहुंचा देता है। एंटी रेप बकल। ये बेल्ट दिखने में तो एक साधारण बेल्ट की तरह ही लगता है, लेकिन यही साधारण सी चीज किसी लड़की को रेप जैसी दुर्घटना से बचा सकती है। इस बेल्ट को खोलने के लिए एक कॉम्प्लेक्स कोड की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इस बेल्ट को केवल वो व्यक्ति ही खोल सकता है जिसने इसे पहना हो। ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति चाहे जितनी कोशिश कर ले, इस बेल्ट को खोल पाना असंभव है। एंटी रेप नेकलेस। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि नेकलेस और ब्रेसलेट दोनों की तरह काम करता है। इस डिवाइस को JWT सिंगापुर ने अवेयर नामक NGO के साथ मिलकर बनाया था। इस नेकलेस में एक बटन मौजूद है। किसी भी इमरजेंसी के दौरान इस बटन को दबाते ही आपके फोन पर एक फेक कॉल आता है और साथ ही मात्र 3 सेकंड्स के अंदर आपकी लोकेशन और एक इमरजेंसी मैसेज SMS के थ्रू आपके परिवार और दोस्तों तक पहुंच जाता है। एक आम ज्वेलरी की तरह दिखने वाला ये डिवाइस सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ फैशनेबल भी है, जिसका कोई भी महिला अपनी रेगुलर लाइफ में यूज कर सकती है। एंटी रेप वेयर। ये डिवाइस नहीं बल्कि एक एंटी रेप वेयर है, जो कि रेप से बचने के लिए किसी भी दूसरे डिवाइस के मुकाबले ज्यादा बेहतर माना जाता है। न्यूयॉर्क की एक कंपनी ने सन 2013 में एंटी रेप वेयर की एक प्रोडक्ट लाइन शुरू की थी, जिसमें अंडरवेयर, अल्ट्रा टाइट रनिंग शॉर्ट्स और ट्रैवलिंग शॉर्ट्स जैसे कपड़े शामिल हैं। इनकी खास बात यह है कि इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई दूसरा व्यक्ति लाख कोशिश करने के बाद भी जबरदस्ती इन्हें उतार न सके। इन शॉर्ट्स के हुक को खोलने के लिए एक कोड की जरूरत पड़ती है, जो सिर्फ पहनने वाला व्यक्ति ही खोल सकता है। और इतना ही नहीं, जिस मटेरियल से ये बनाए जाते हैं उसे काटा या फाड़ा भी नहीं जा सकता। रेप एक्स टीथ कॉन्डम। कॉन्डम की तरह दिखने वाला ये डिवाइस एक टीथ कॉन्डम है। जी हाँ, इसका इस्तेमाल एक फीमेल कॉन्डम की तरह ही विदेशों में किया जाता है। अपनी सेफ्टी के लिए महिलाएं इसे शरीर में इंसर्ट करके रखती हैं। इस डिवाइस को खतरनाक बनाते हैं इसके अंदर मौजूद कांटेदार दांत,
जब भी कोई पुरुष किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो रेप को अंजाम देने के दौरान वो इस कॉन्डम से खुद को गंभीर रूप से घायल कर बैठेगा। इसमें मौजूद नुकीले दांत पुरुष के गुप्तांग में गहराई तक इस कदर घुस जाते हैं कि अपराधी के लिए खुद अपने आप इसे निकाल पाना असंभव है। इसलिए एक बार इसकी चपेट में आ जाने के बाद इसे निकालने के लिए मेडिकल प्रोसीजर का सहारा लेना पड़ता है, जिससे व्यक्ति के रेप अटेम्प्ट का भी पता चल जाता है। बजिंग एंटी रेप डिवाइस। एंजल विंग की तरह दिखने वाला ये एंटी रेप डिवाइस स्ट्रिंग पुल करने पर 90 डेसिबल्स तक जोर की आवाज निकाल सकता है, जो कि अटैकर के कानों के पर्दों को भी भारी नुकसान पहुंचाने और डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है। छोटा होने की वजह से इसे पर्स या मोबाइल के साथ लटकाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर ये अटैकर्स को डराने के साथ साथ आस पास के लोगों को भी तेज आवाज से सचेत कर देता है। एंटी मॉलेस्टेशन जैकेट। निशांत प्रिया और शहजाद अहमद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक एंटी रेप जैकेट बनाया जो दिखने में एक स्टाइलिश जैकेट की तरह है। सुविधा के लिए ये जैकेट डेनिम और एक्रिलिक दोनों ही फैब्रिक से बनाया गया है। इस जैकेट की खासियत ये है कि किसी भी प्रकार का अनवांटेड टच फील होते ही इस जैकेट से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जो कि किसी भी आम इंसान को 10 से 15 मिनट तक के लिए बेहोश कर सकता है। और इतनी देर में कोई भी लड़की सेफ जोन में पहुंचकर अपने घर वालों और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकती है। पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइसेस में से सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि परफ्यूम या डीओ स्प्रे की तरह होने की वजह से इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। पेपर स्प्रे का असर व्यक्ति की आंखों के साथ साथ उसके मुंह और नाक पर भी होता है, जिसे स्प्रे करते ही उसकी आंखों में तेज जलन तो होती ही है, साथ ही उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। पेपर स्प्रे का असर काफी देर तक रहता है, जिससे एक व्यक्ति लंबे समय के लिए लगातार बेचैन होता रहता है और इतना में किसी भी महिला के बच निकलने के लिए काफी होता है। पेपर स्प्रे किसी भी जनरल स्टोर पर इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखने और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हर महिला को इसे अपने साथ जरूर रखना चाहिए। हाल ही में थॉमस रीयूडर्स फाउंडेशन द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक 2018 में भारत दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित और खतरनाक देशों की श्रेणी में नंबर 1 पर है। ये सर्वे पहले 2013 में भी किया गया था और तब भारत इसमें चौथे नंबर पर था। क्या आप जानते हैं हमारे देश में करीबन 70% से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां डरती हैं रेप और छेड़छाड़ के मामलों के खिलाफ रिपोर्ट कराने में, और 90% रेप केस के मामले में गुनहगार घर या कोई जान पहचान वाला व्यक्ति ही निकलता है। बताए गए एंटी रेप डिवाइसेस में आपके मुताबिक सबसे ज्यादा बेहतर कौन सा है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। और साथ ही ये भी बताएं कि रेप जैसे गंभीर मामलों के लिए समाज में क्या बदलाव लाने की जरूरत है। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।